कार्रवाई नहीं हुई थी ऐसी बात नहीं है, उन लोगों का कहना है कि उसमें से किसी का एक बेल हो गया है, तो उसके ऊपर हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आपसी विवाद का मैटर है, इसमें कोई प्रोफेशनल किलिंग की बात नहीं है। जो व्यक्ति है वो हम लोग के गिरफ्त से बाहर है। राजधानी पटना के बाईपास थाना इलाके में रविवार की रात अपराधियों की गोली का शिकार बने आशीष यादव की हत्या जमीनी विवाद के कारण हुई है। पटना के SSP उपेंद्र शर्मा ने इस बात की पुष्टि की है। SSP ने साफ कर दिया है कि यह आपसी विवाद के दौरान हुई खूनी रंजिश का परिणाम है, इसके पीछे किसी प्रोफेशनल अपराधी का हाथ नहीं है। SSP ने यह भी बताया कि इस मामले में मृतक के परिजनों द्वारा 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है, इसमें से 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि SSP ने इसी परिवार के एक अन्य सदस्य की हत्याकांड से जुड़ी तफ्तीश में पुलिस की लापरवाही से फिलहाल इनकार किया है। सुनिए SSP उपेंद्र शर्मा ने मराची गाँव में हुए इस हत्याकांड पर क्या कहा। कल बाईपास थाना अंतर्गत एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 महीने पहले उसी परिवार के एक सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने ठीक तरह से काम नहीं किया, इसी वजह से अपराधी जल्दी जेल से बाहर आ गए और धमकी देने के बाद फिर से उसी परिवार के एक सदस्य की हत्या। स्पष्ट रूप से आपसी विवाद का मैटर है, जमीन का विवाद है दो और उसी परिवारों के बीच में, उसको लेकर पहले 3 महीने पहले हत्या घटी थी जैसे आपने बताया, और उसमें पुलिस ने कार्रवाई भी की थी। लगभग 6 से 7 लोग जेल गए थे और उसमें जो मुख्य अभियुक्त थे वो सभी लोग जेल में ही हैं। और कल वाली जो घटना है उसमें भी इन लोगों ने 15 लोगों का नाम दिया है, जिसमें 6 लोग गिरफ्तार करके हम लोग जेल भेज रहे हैं। कार्रवाई नहीं हुई थी ऐसी बात नहीं है, उन लोगों का कहना है कि उसमें से किसी का एक बेल हो गया है, तो उसके ऊपर हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी जो घटना घटी है स्पष्ट रूप से आपसी विवाद का मैटर है, इसमें कोई प्रोफेशनल किलिंग की बात नहीं है। और जो नाम दिया गया है उसमें उन लोगों ने बताया भी है कि किसने गोली मारी है, वो अभी अपराधी वो जो व्यक्ति है वो हम लोग के गिरफ्त से बाहर है, उसका नाम हम लोग उजागर नहीं अभी कर पाएंगे आपको, लेकिन उस पर हम लोग काम चल रहा है। 15 लोगों में से 6 लोग गिरफ्तार हो गए। सर, हालिया दिनों में देखा जाए तो अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही है, वो बाईपास थाना हो, आलमगंज में हत्या की घटना हो, या कदम कुआं थाना क्षेत्र में लूटपाट पिलवोर, तो जहां पे कहीं ना कहीं कमी नहीं दिख रही है कि पुलिस की गश्ती पे ही सवाल उठ रहा है, डॉल्फिन मोबाइल भी है, तमाम तरह की सुविधाएं, तो आखिर घटनाएं क्यों नहीं रुक रही है? घटनाओं को रोकने का हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं, ठीक है। जो कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो घट जाती हैं तो डिटेक्शन नहीं होता है, तब हम लोग सवालिया निशान के घेरे में आते हैं। जो आलमगंज वाला केस है उसमें 2 लोगों का नाम है, जिसमें से 1 आदमी गिरफ्तार हो गया है, शूटर भी आइडेंटिफाइड है, अभी वो फरार चल रहा है, इसी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत हम लोग हैं। जो 2 घटनाएं आप बता रहे हैं पीरभौर की और अभी कदम कुआं वाली लूट की घटना की, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, अभी वो हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन उसको भी हम लोग डिटेक्ट करेंगे। बहरहाल बाईपास थाना इलाके में हुए इस हत्याकांड से पहले 2 अक्टूबर को भी इसी परिवार के एक अन्य सदस्य उपेंद्र राय की हत्या कर दी गई थी। जमीनी विवाद में एक के बाद एक गिरती लाशों के बीच बाईपास थाना पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। रिपब्लिकन न्यूज के लिए पटना से तनुज मासूम के साथ शुभम कुमार की रिपोर्ट। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।